अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं एसएसए के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। ऑलरेडी मन संक्षेम बोर्ड पैसा एनो वेल को मन कार्मिक मन भवन निर्माण सेंटरिंग बिल्डिंग अभी गवर्नमेंट दी मन हक लेकिन मन दुर्दृष्ट मन खचिता कार्ड दीकटे मन डबूल वस्ताई आ डबूल कोसम मन हकदारा खचिता अड़ना रीजन चेतर करेक्टर కానీ మనం చేయలేకపోతున్నాం ఆ ఈ పనోడి ఇయాల ఉంటాడా రేపు వెళ్ళిపోతాడేమో ఇయాల ఇదేదో భాయ్ घर वाला क्या बोल रहा है, हमारे घर पे आया, हमारे आपका घर का अंदर नहीं आते सब, आपका घर के अंदर हमारे काम वाले हैं, उन लोगों को काम रोक रहे, क्या बाहर वाले को, घर वाले को, बिल्डर को, कोई किसी की तकलीफ डिमांड है, पर्सनल डिमांड है, हर महीने को एक दिन हम ओके दो लाख रुपए राजशेखर गवर्नमेंट राजशेखर रेड्डी साहब के गवर्नमेंट के टाइम पे दो लाख दिए और वहां से हम लोग पीछे पड़ते पड़ते हैं तो छह लाख बीस लाख बीस हजार दे रहे सब, अभी भी हम लोग ना भूल गए। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट ये है सब, आप लोगों के कार्पेट वहाँ मीटिंग में भी आप ही बात कर सकते, हर MLA साहब लोगों को हम रिक्वेस्ट कर लेकिन हमारे बारे में कोई बात करने नहीं कर रहे सब, बाहर से आए सो जो कार्मिकों के वजह से हरसा वर्षा काम वाले बोल के बात करने का सामने नहीं आ रहे सब। प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे सब हमारी यूनियन के तरफ से, आप लोग कभी भी अगर आपको मौका मिले तो हमारे बारे में बात करके, ये भवन सेंटरिंग वालों को इतना तकलीफ है, कम से कम हमारे नाम अगर लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया रहता सब। रिक्वेस्ट बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग शौकत भाई की वजह से यहाँ पर पूरे एक जगह जमा हुए। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, परसों बाबूघाट पर गया था, हमारे कृष्णा साहब मेरे को बताए मुकम्मल जो सेंटरिंग का प्रॉब्लम हो रहा। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, नामपली हल्के में आसिफ नगर है, जाफर हुसैन मेहरा साहब को भी बताऊंगा पलट कर आसिफ नगर डिवीजन में। आप लोगों को तकलीफ कभी भी कुछ होंगी तो इंशाल्लाह मैं होने नहीं दूंगा, इंशाल्लाह मैं भी सोचा हूँ आप लोगों के बारे में, कभी भी एनी टाइम आप लोगों के साथ रहूंगा इंशाल्लाह। आसिफ नगर डिजरिया वाले कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, हमारा सामान खराब हो रहा बोल के बताएं, शौकत साहब भी और कृष्णा साहब भी, यादगिरी साहब भी बताएं, मैं इंशाल्लाह होने नहीं दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं आप लोगों की वजह से आसिफ नगर डिवीजन में इंशाल्लाह, नामपल्ली हल्के में भी इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा, आसिफ नगर हल्के में तो इंशाल्लाह वो काम होगा नहीं, आप लोगों को तकलीफ पहुंचे ऐसा इंशाल्लाह। एकता में रहेंगे ना, जो कृष्णा साहब जो हमारे लिए कानूनी फॉर्मेलिटीज बनाए एसोसिएशन के लिए, उसके ऊपर हम अमल करते हुए काम करेंगे ना, करेंगे ना, जहां भी काम करेंगे सेफ्टी बेल्ट के साथ काम करेंगे ना, जो भी बिल्डिंग अगर विटाट ब्लू तरपाल से अगर बना रहा तो वहां पर काम रोकेंगे ना, उसको ब्लू तरपाल बनाने तक हम काम नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम लिखे ठेके काम करते, हमारा काम वाला ऊपर चढ़ के काम करता, ब्लू तरपाल ले रहने की वजह से जो है ना ऐसे आए दिन बहुत सारे हादसे हो रहे, हमारी गलती की वजह से जो है ना काम वाले की जान चली आ रही, ऐसी गलती नहीं करेंगे ना। और कृष्णा साहब जो है ना कोशिश कर रहे हैं हुकूमत से, हुकूमत है तेलंगाना डबल बेडरूम का जो बनाई अब तक, डबल बेडरूम अभी तक बनाई, किसी को दी किसी को नहीं दी, लेकिन हमारी पी कृष्णा साहब सेंटर कमेटी की लड़ाई जारी है, जिसकी वजह जारी है हुकूमत तेलंगाना से कि वो हमें लेबर को 10% दे दे, इसके वास्ते कर रहे मेरे भाई, अगर हुकूमत अब आपको लेबर एसोसिएशन को 10% दे दी तो सोचो हमारे पूरे तमाम लेबरों के हाथ से डबल बेडरूम मिलेंगे आने मिलेगा मिलेगा आने मिलेगा, तो ये लड़ाई किसके वास्ते है, ये जुस्से जो है किसके वास्ते है, आप ही लोगों के वास्ते है,
कहाँ कहाँ नहीं जाते, कोसी कोसी आप इसमें नहीं जाते, किसी के हाथ पैर दे, किसी के पाँव पैर दे, किसी के पेड़ में नहीं जाते। अदबन गुजारिश करके जो है ना अपील रखते हैं उनके सामने, उसके बावजूद भी जो है ना कुछ जगहों पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, कुछ जगहों पर नहीं मिल रहा है। ये किसकी मेहनत है? पी कृष्णा साहब की और उनकी टीम की। और हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में जो है ना एकता नहीं रह रहे, एकता बनाओ मेरे भाई, पी कृष्णा साहब के हाथ मजबूत करो, उनके संघात साथ दो, अपने अपने जिलों में जो भी साथियां हैं एक एक जुल्म को मजबूत करो, मजबूत करके पी कृष्णा साहब को जो है ना साथ दो। इंशाल्लाह बहुत जल्द दे देंगे कि जो है ना 10% जैसे हमारे लेबरों के यहाँ से जो है ना जीरो पल्ला। और मूसा साहब का यहाँ पर आए, हमारी बीच में बैठे और हमारे पी कृष्णा साहब उनको काफ़ी चीज़ा बताए, और मूसा साहब बोले कि जेना मैं ज़रूर करूँगा, मैं साहब से बात करूँगा, मेरे साहब के सामने बात रखूँगा। और हाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के भी सामने बात रखूँगा, इंशाल्लाह ये बात वहाँ तक पहुँचाऊँगा। आप लोगों की जो भी डिमांड है इंशाल्लाह वहाँ से मैं बोल के साहब लोगों से हो सके तो कोशिश करूँगा।